अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। ये देखेंगे आज की वीडियो तो ऐसी है कि दिल खून के आंसू रो रहा है। ये मेरी बकरी है जो आज से 15 दिन पहले इसकी डिलीवरी हुई और ये बच्चा दिया इसने, और परसों से इसके एक बीमारी होती है जिसे हम आम जबान में भंवर बोलते हैं। वो भंवर की वजह से जिससे इसके पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे बकरी एक ही साइड पे घूमना शुरू कर देती है, वो हो गया। 3 दिन हो गए हैं इसका, मैंने बेहतरीन से बेहतर इलाज कर लिया कि सिर्फ इसके लिए, क्योंकि ये छोटा सा बच्चा है, अपनी माँ के लिए देखें कैसे ही तड़प रहा है। और अब आखिरी स्टेज आ चुकी है इसकी, अब आखिरी हल इसका ये है कि मैं इसे ज़िबा करने लगा हूं। और क्योंकि इसे मैं और अज़ियत नहीं दे सकता का मैंने काफ़ी इलाज किया, काफ़ी 3 से 4 डॉक्टरों को बुलाया है जो सबके मेरे इलाके के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं उन्हें। और इसकी गर्दन जो है ना, ये देखें ये गर्दन सीधा होने का नाम ही नहीं ले रही। बकरी उठने की कोशिश करती है, ये देखें, पर ये बेचारी फिर नीचे आके गिर जाती है। ये देखें इसे खड़ा करता हूँ, उठने की कोशिश करती है और ये फिर आ गई। ये छोटा सा बच्चा है इसका जो बेचारा अपनी माँ के लिए तड़प रहा है, और अब बस आखिरी हल है इसका कि मैं इसे ज़िबा कर रहा हूँ। इसे मैं और अज़ियत देना नहीं चाहता। अच्छे से अच्छे इंजेक्शन लगा दिए, सारा कुछ कर लिया इसका, जो भी हर्बे थे देसी थे चाहे वो डॉक्टरी थे। और यहाँ आके दिल बहुत खून के आंसू रो रहा है, छोटा सा बच्चा है, देखें माँ के लिए कितना तड़प रहा है। और अब दिखाने का मकसद ये है कि शौक़ यहाँ आके दम तोड़ जाता है। ऐसा इस सिचुएशन में आके ऐसा लगता है कि बस शौक़ ख़त्म कर दें शौक़। क्योंकि ये मैं वैसे एक नरम दिल का आदमी हूँ, मुझसे ये जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, बस मुझे और मेरे रब को पता है कि मेरे आंसू कैसे रुके मैं इस मासूम बच्चे के लिए। ये देखें कैसे अपनी माँ के लिए ये बिल बिला रहा है, और माँ बेचारी, ये देखें ये कंडीशन है इसकी। बस मैं ज़िबा करने वाला था इसे, सोचा कि वीडियो बना दूं, कुछ यादगार पल रह जाएंगे इस बच्चे के लिए। बाकी मेरे माशाल्लाह ये जानवर हैं काफ़ी अच्छे कंडीशन में, बहुत अच्छा डॉक्टर था जिसे मैं इन्हें ट्रीटमेंट करवाता हूं इनका। और इसके लिए मैंने 3 से 4 डॉक्टर बदले हैं 3 दिन के अंदर, मुसलसल से इंजेक्शन दवाइयाँ देसी नुस्खे सारा कुछ कर लिया। 3-4 दिन पहले इसे अफारा हो गया था, अफारा तो मैंने कंट्रोल कर लिया था, वो तो माशाल्लाह सेट हो गई थी, 2 से 3 घंटे के अंदर ही सेट हो गई थी। उसके बाद इसे कल सारा दिन सेट रही है ये, परसों भी इसकी यही कंडीशन थी, कल ये फिर उठ के खड़ी हो गई है, खाती पीती रही है। रात को बस इसे अंदर कमरे में उधर बंद किया था अंदर, सुबह जब मैंने देखा तो ये तकरीबन ठीक थी नमाज के बाद, बाद में आके देखा तो इसकी ये कंडीशन हो गई थी। उसके बाद ही मैंने 2 डॉक्टर बुला के इसे इंजेक्शन वगैरह लगवा दिए, पर ये ना अब बिल्कुल एंड हो चुका है इसका। ये देखें जी ये कंडीशन है अब इस बकरी की। बच्चा बेचारा दूध तो पी रहा है, पर अब मुझे इसकी उम्मीद जो है ना, डॉक्टर ने भी वो भी छोड़ के गया था, कि उसने कहा था कि ये भंवर जो है ना, इसके पट्ठे बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, तो ये अब रिकवर नहीं होगी, तो लिहाजा से ज़िबा ही कर दें तो अच्छा है। अल्लाह ही मालिक है अब इस बच्चे का, अल्लाह ताला ही सबका राजी का। अगर इसकी ज़िंदगी है हमारे नसीब में है तो ये बच जाएगा, फेडर पर पालूँगा इसे। और लिहाजा अब इसकी माँ को जो दुआ करने लगा हूँ अपने हाथों से, क्योंकि इसकी माँ की तकलीफ़ अब बहुत बढ़ चुकी है और अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। ये देखें भाई, ये स्टेज है, जब इस स्टेज पे आके ना शौक़ दम तोड़ जाता है। मेरा शौक़ दम तोड़ गया अब यहाँ। अस्सलामुअलैकुम।